वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। 11th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स लेकर और आगे बढ़ रहे हैं, उन सबका खास तौर पे स्वागत है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज किया है जो आगे जाकर आपको जरूर आईएएस ऑफिसर्स बनाएंगे। ठीक है ना, तो तैयारी करते रहो हमारे साथ साथ ताकि आपका वो रास्ता खुले। देखो, ये सब चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, यही आगे जाकर ऐसे एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अभी उनको इग्नोर कर देते हैं तो फिर आगे पछताते हैं। तो जरूरी है कि आप अभी से अपने दिमाग में इन चीजों को बिठाते चलो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम पढ़ रहे थे आपकी जो 11th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, पॉलिटिकल थियरीज, राजनीतिक सिद्धांत, उसका सेकंड चैप्टर हमने शुरू कर लिया था, स्वतंत्रता। हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता की। हैरानी होगी ना बच्चों की, स्वतंत्रता जैसे छोटे से शब्द में से कितनी सारी बातें निकल के आ रही है। हमने स्वतंत्रता को देखा, स्वतंत्रता के लिए कुछ जो केस स्टडीज हैं वो देखी, स्वराज के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझे। आज हमने स्वतंत्रता का एक और एस्पेक्ट देखना है, एक और उसका पहलू समझना है, जिसको कहा जाता है उदारवाद। स्वतंत्रता को कहा जाता है उदारवाद। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि उदारवाद है क्या। उदारवाद एक ऐसी अवधारणा है, चलो अवधारणा वगैरह बड़े शब्दों को छोड़ते हैं, उनको एक बार साइड में करते हैं और नॉर्मल से अपने घर की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी करने की इजाजत दे देते हैं, बाय चांस आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, आप कुछ खरीदना चाहते हो, आप मोबाइल लेना चाहते हो, या ऐसा कुछ भी अगर आप करना चाहते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स यू वांट टू वेयर, तो ऐसे में अगर आपके पेरेंट्स आपको बिना किसी क्वेश्चन आंसर के, बिना किसी बहस के कुछ भी करने की इजाजत दे देते हैं, तो कहा जाता नहीं कि अरे भाई तेरे पेरेंट्स तो बड़े उदार हैं, तेरे मम्मी पापा तो बड़े लिबरल हैं, है ना। तो बस उदारवाद जो है कुछ वैसा ही होता है। लिबरल होने का मतलब होता है उदार होना, यानी कि हर चीज को करने की स्वतंत्रता देना। ठीक है ना, तो अब आप इसमें से आराम से समझ सकते हो कि उदारवाद क्या है। और जब उदारवाद का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर चीज को करने की स्वतंत्रता देना, तो ऑब्वियसली स्वतंत्रता जैसे चैप्टर में, इस टॉपिक में हमारा लिबरलिज्म पढ़ना जायज है। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं उदारवाद को स्वतंत्रता के साथ। तो आपके दिमाग में से एक बात बिल्कुल ही निकाल देनी है जो काफी सारे बच्चों के दिमाग में आती है कि पढ़ते कुछ हैं और कहीं और ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बल्कि कनेक्टेड या एक दूसरे से बुरी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो उदारवाद क्या है आइए समझते हैं। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो किस पे डिपेंड करता है, जो आधारित है स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता। ये तीन चीजें हैं, तीनों ही आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करनी है कि उदारवाद किस पे आधारित है। सबसे पहला स्वतंत्रता पर आधारित है। सबसे पहली बात ही वही आ गई जो हम बात कर रहे हैं, जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है स्वतंत्रता। तो यानी उदारवाद का सबसे पहला बेस, सबसे पहला आधार ही क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद में दूसरा आधार इसका जो है वो है शासित की सहमति। शासित की सहमति का मतलब क्या होता है? घर पे मम्मी पापा है और आप हो और आपके दादा दादी है। ठीक है ना, अब दादा दादी कोई भी काम करने की उनको छूट है क्योंकि वो घर में सबसे बड़े हैं, बट स्टिल फिर भी वो आपके पापा से या आपकी मम्मी से उनका कॉन्सेंट, उनकी सहमति जरूर लेते हैं। ऐसे कर लिया जाएगा, ऐसे कर लिया जाएगा। अगर आपकी बात आए, छोटा सा बहुत माइनर सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप खाना किसको बनाना होता है आपके घर पे? मम्मी को खाना बनाना होता है। मम्मी ने बनाना होता है, उनकी मर्जी, किचन में वो चाहे जैसे काम करे, बट स्टिल बनाने से पहले वो क्या करते हैं, बेटा आज ये बना ले क्या, आज भिंडी की सब्जी बना ली जाए क्या, आज दाल बना ली जाएगा। आपकी कंसेंट ली जाती है, आपकी सहमति ली जाती है ना। तो सोचिए जब इतनी छोटी सी चीज के लिए आपकी कंसेंट, आपकी सहमति जरूरी है, तो बाकी चीजों के लिए भी जब हम बात उदारवाद की कर रहे हैं तो जो शासित है, जो नीचे के लेवल पर जो है उनकी सहमति ली जाए, यही उदारवाद है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समान होने का मतलब ये नहीं है कि कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। इसका मतलब ये है, कानून के समक्ष समानता को दो तरह से देख सकते हैं। पहला मतलब होता है कि अगर तो हम पीड़ित पक्ष हैं,
अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो कानून बिना ये देखे कि हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, वर्ण क्या है, उम्र क्या है, जन्म स्थान क्या है, ये कुछ भी देखे बिना हमें संरक्षण देगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कानून की समानता में कही जा सकती है कि अगर तो हम विरोध पक्ष में हैं, यानी कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो ऐसे में बिना ये देखे कि हम कितने बड़े हैं, हमारे पहुंच कितनी ऊपर है, ये सब कुछ देखे बिना कानून हमें बराबर सजा देगा, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर कहा जाता है कानून के समक्ष समानता। तो यानी ये तीन चीजें जो क्या है, उदारवाद का आधार स्तंभ है। उदारवाद के आधार जो है वो इन्हीं तीन चीजों पर टिकी हुई है। कौन सी तीन चीजें? पहली है स्वतंत्रता, दूसरी है जो शासित है, जो शासन के अंडर में रह रहा है उसकी सहमति, और तीसरी है कानून के समक्ष समानता। अब उदारवाद जो है आमतौर पर सीमित सरकार, ये तो हमने देखा कि उदारवाद के आधार क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि उदारवाद किन चीजों, मतलब उसके से निकल के क्या क्या आता है, उदारवाद के सिद्धांत में क्या क्या होना चाहिए, होना क्या क्या चाहिए। सीमित सरकार होनी चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए। सीमित सरकार का मतलब ऐसा नहीं कि सरकार किसी भी मामले में नाक घुसेड़ दे, सरकार जहां चाहे वहां जैसा चाहे वैसा कानून बना दे। अब सरकार ये तो कानून बना नहीं सकती ना कि मुझे क्या पहनना चाहिए, किस जगह, लेकिन फिर भी ऐसा कानून होता है। तो यानी कि सरकार जो होती है उसके दायरे सीमित होने चाहिए, तब वो लिबरलिज्म कहलाता है। फिर व्यक्तिगत अधिकारों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए, अब चाहे वो नागरिक अधिकार हो और मानवाधिकार हो। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, नागरिक अधिकार और मानवाधिकार अलग अलग चीजें हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है ये मुझे पता है, और ये मेरा अधिकार है कि मुझे जहां जो बोलना होगा वो मैं बोलूंगी, ये मेरा अधिकार है। मुझे इस देश में कहीं भी आने जाने की स्वीकृति छूट है, फ्रीडम है, वो मेरा नागरिक अधिकार है। मुझे इस देश के कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, वो मेरा नागरिक अधिकार है। 18 साल की होने के बाद से मैं वोट दे रही हूँ, वो मेरा नागरिक अधिकार है। ये सब नागरिक अधिकार है। और मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार होते हैं कि कोई मेरे प्राण ना ले सके, कोई मेरी इंसल्ट किसी भी पब्लिक प्लेस में ना कर सके, ये सब मेरे मानवाधिकार हैं। फिर पूंजीवाद, यानी कि जिसको मुक्त बाजार भी कहते हैं, उसका भी समर्थन उदारवाद द्वारा किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म एक दूसरे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ आप पूंजीवाद को रखिए, एक तरफ आप उदारवाद को रखिए, दोनों एक ही जैसे हैं। लोकतंत्र का हामी है, धर्मनिरपेक्षता मानता है, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। ये समर्थन किन किन चीजों का करता है? सीमित सरकार का, व्यक्तिगत अधिकारों का जिसमें नागरिक अधिकार भी आते हैं और मानवाधिकार भी आते हैं, पूंजीवाद का, लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का, लिंग समानता का, नस्लीय समानता का और अंतर्राष्ट्रीयता का। अंतर्राष्ट्रीयता का मतलब ये है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में जाओ तो कोई भी देश एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होगा, हम कहीं भी किसी भी देश में आ जा सकने, वहां जीविका कमाने की हमें अधिकार होगा, हालांकि उनकी जो शर्तें होंगी वो हमें पूरी करनी होगी, लेकिन हमें अधिकार प्राप्त होगा। उदारवाद के तीन पक्ष हैं, कौन कौन से तीन पक्ष हैं? पहला आर्थिक उदारवाद, इसमें मुक्त प्रतिस्पर्धा। मुक्त प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है बाजार में आओ और जैसे चाहे बेचो। हम देखते हैं कि बाजार में जो है बहुत से दुकानदार होते हैं, या समझ लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स वालों का। फ्रूट्स के जो रेडी लगाते हैं वो सभी फ्रूट्स बेचते हैं। अब एक फ्रूट वाला नॉर्मली कितने रुपए में फ्रूट बेचेगा, ये उसका कॉन्सेंट होता है। लेकिन अगर वो महंगे बेचेगा तो क्या उसके फ्रूट्स बिकेंगे, उसके फल बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो ऐसे में ये मुक्त बाजारवाद या प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि जितना कंपटीशन होगा, हर कोई जो चाहे व्यापार कर सकता है, जितना कंपटीशन होगा उतना उपभोक्ता को फायदा होगा और उतना ही बाजार को फायदा होगा। स्वविनियमित बाजार, बाजार जो है वो कोई और या सरकार नहीं चलाए, खुद के द्वारा चलाया जाए। न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप, सरकार बिना मतलब की बीच में पंचायती नहीं करे। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये सब विशेषताएं किस में आती है? ये सब आर्थिक उदारवाद में शामिल की जाती है। फिर है राजनीतिक उदारवाद, पहला है आर्थिक उदारवाद, दूसरा है राजनीतिक उदारवाद। इसमें प्रगति में विश्वास किया जाता है कि जहां तक हो सके देश का विकास किया जाए। मानव की अनिवार्य अच्छाई,
यानी ये माना जाए, ये उदारवाद का सबसे बड़ा एक बहुत ही शानदार पहलू है, इसको ध्यान से पढ़ना जरा, मानव की अनिवार्य अच्छाई। यानी उदारवाद ये कहता है कि इंसान तो अच्छा ही है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, उसमें बेसिकली क्या है, वो अच्छाई ही है। तो यानी इंसान सारे बहुत अच्छे हैं और ये उदारवाद की बेसिक चीज है। व्यक्ति की स्वायत्तता, यानी कि वो अपना काम जैसे चाहे वैसे कर सकता है, जहां चाहे वहां कर सकता है और जब चाहे तब कर सकता है। राजनीतिक तथा नागरिक स्वतंत्रता, ये सब राजनीतिक उदारवाद में शामिल किए जाते हैं। फिर सामाजिक उदारवाद के अंतर्गत अल्पसंख्यक समूहों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे आते हैं कि कुछ जो धर्म या कह सकते हैं कि कुछ जो नृजातियां होती हैं, जो समाज में अल्पसंख्यक मोड में होती है या माइनॉरिटीज जिनको कह सकते हैं, उनके संरक्षण से संबंधित अगर कानून बनाए जाते हैं तो उसको उनको सामाजिक उदारवाद में शामिल किया जाता है। सो लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी based on three things, and the three things are, first is liberty, second thing is consent of the governed, जिसको शासित किया जा रहा है उसकी सहमति, and equality before the law. तो ये तीन चीजें बहुत important है, first is liberty and second is the consent and the third is equality. तो आपको तीन ही शब्द याद रखने हैं, स्वतंत्रता, समानता, सहमति, ठीक है ना, तीन स आपको याद में रखने हैं, स्वतंत्रता, समानता और सहमति। स्वतंत्रता हर एक की, समानता कानून के समक्ष, और सहमति जो शासित है उसकी, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हैं तो इसका मतलब उदारवाद है। लिबरलिज्म जनरली सपोर्ट्स लिमिटेड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल राइट्स, अब जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं दे कैन इंक्लूडिंग सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, देन कैपिटलिज्म मींस फ्री मार्केटिंग, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी, रेशियल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनलिज्म। सो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स विच आर देयर बिहाइंड लिबरलिज्म। देर आर थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरलिज्म। फर्स्ट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इट इंक्लूड्स फीचर्स सच एज फ्री कॉम्पिटिशन, सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये किसमें काउंट किए जाते हैं, ये सब इकोनॉमिक जो है लिबरलिज्म में काउंट किया जाएगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म इंक्लूड्स अ बिलीव इन प्रोग्रेस, द एसेंशियल गुड ऑफ मेन। ये वैसे भी उदारवाद का सबसे प्रमुख चीज है कि द एसेंशियल गुड ऑफ मैन वो है, वो मानने वाला उदारवाद एकमात्र और सबसे ज्यादा आधारभूत इसको मानने वाला उदारवाद एक सिद्धांत है। द ऑटोनोमी ऑफ द इंडिविजुअल, द पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज। तो ये क्या होता है, ये होता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इन सोशल लिबरलिज्म इंक्लूड्स इश्यूज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप एटसेट्रा। सो दिस इज द बेटर और यू कैन से द परफेक्ट एग्जाम्पल और परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म। तो उदारवाद क्या होता है, उदारवाद पूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। देखो आपके लिए जो पॉइंट टू पॉइंट ये जो नोट्स बनाए हुए हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे, और दूसरा जब आप उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं बहुत ही एक सिद्धांत की, बहुत ही शानदार सिद्धांत की बात करते हैं जो कि कहलाता है हानि सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल। ये सिद्धांत स्वतंत्रता से रिलेट करता है। इसको पढ़ने से पहले एक बार जरा समझते हैं, जब हम स्वतंत्रता कहने लगते हैं, जब हम कहते हैं फ्रीशिप, जब हम कहते हैं फ्रीडम, ठीक है ना, तो फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है कि पंख निकल जाए और उड़ जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको रहना जमीन पर ही है, आपको रहना लोगों के बीच ही। तो फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब, अब कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे इस तरह से तो हमारी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, हमारी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया, हमारी फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन क्या आपकी स्वतंत्रता अगर किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो क्या वो फ्रीडम है? क्या वो आप उसकी फ्रीडम को खत्म नहीं कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा घर हॉस्पिटल के पास है और मैंने अपने घर में बड़ा सा डीजे साउंड सिस्टम लगवा लिया और सुबह शाम उस सिस्टम में गाने बजते हैं और उस हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती हैं, कोई दिल के मरीज हैं, कोई और हैं, तो क्या ये जायज है कि मैं सिर्फ कि अपने घर में मैं चाहे जैसे रहूं, चाहे बिहेव करूं, वो मेरी फ्रीडम? क्या उस सिचुएशन में फ्रीडम है वास्तव में?
क्या मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं, है ना। तो ऐसे में फ्रीडम को एलोबरेट करना, फ्रीडम को एक्सप्रेस करना थोड़ा इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा ये हाइपोथेटिकल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं ये कहूं कि ये मेरी फ्रीडम है, लेकिन अगर मेरी फ्रीडम किसी और की फ्रीडम को नुकसान पहुंचा रही है तो वो फ्रीडम नहीं है, तो फिर वो उच्छृंखलता कहलाएगी, फिर वो बेवकूफी कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छे उदारवादी हुए हैं J.S. Mill, ठीक है ना। J.S. Mill ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी, ये नाम आपको याद रखना है, ऑन लिबर्टी, ये आपकी बुक में दिया हुआ भी है और याद तो खैर आपको रखना ही होता है। J.S. Mill ने एक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत को कहा जाता है हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। क्यों, क्या था वो सिद्धांत, एक बार उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड उन्हीं के शब्द देखते हैं, और अगर आपसे ये कहा जाए कि J.S. Mill के हानि सिद्धांत को बताइए तो आपको कोट करना ही पड़ेगा। हम उनके कथन को देखते हैं ना तो बिल्कुल कोट करेंगे, और उन्होंने अपने कोटेशन में ये कहा है कि सिद्धांत ये है कि किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता में व्यक्ति या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या है, आत्मरक्षा है। हम किसी के भी, ये दूसरे एस्पेक्ट से देख रहे हैं, हम किसी की भी स्वतंत्रता में सिर्फ तभी बाधा डालेंगे जब हमारे खुद की जान पर बनाई हो, उसके अलावा हम किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकते। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना ही हो सकता है। अगर कोई सभ्य समाज सभ्य है तो वहां कानून, नियम, प्रतिबंध ये सब लागू करने का एकमात्र उद्देश्य क्या होगा कि उससे किसी दूसरे को हानि ना हो। हमने पहले भी इसी टॉपिक पर बात की थी कि मान लीजिए रोड है और रोड पर कहा गया है कि बाईं तरफ चलना है, अब बाईं तरफ ही क्यों चलूं, मुझे स्वतंत्रता है, मैं तो दाईं तरफ भी जाऊंगी, मैं तो दाईं तरफ से ही जाऊंगी, जाओ उससे होगा क्या। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है और कोई बड़ी गाड़ी वाला आगे ठोक गया फिर मौत आपकी होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है और किसी छोटी गाड़ी वाले को आपने जो है हर्ट कर दिया फिर उसकी मृत्यु होगी ना। तो ऐसे में किसी सभ्य समाज में जरूरी है कि दूसरों को बचाया जाए, किन्हीं को किसी की जो है गलतियों से बचाया जाए, और इसीलिए प्रतिबंधों, नियमों और कानूनों को लागू किया जा सकता है। द डॉक्ट्रिन दैट द सोल गोल ऑफ इंटरफेयरिंग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन वन्स फ्रीडम इज टू एक्ट इज सेल्फ डिफेंस, ये ध्यान में रखना है। ओनली गोल टू इंटरफेयर इन एनी इंडिविजुअल्स फ्रीडम विल बी सेल्फ डिफेंस। द सोल पर्पज ऑफ ए जस्टिफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर अगेंस्ट द विल ऑफ ए मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी इज क्या होगा, वो टू प्रोटेक्ट अनदर फ्रॉम हार्म कुड, दूसरे को हानि से बचाना ही एकमात्र उद्देश्य है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हानि सिद्धांत है क्या, लेकिन हानि सिद्धांत में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी दिया है कि हमारे कार्य कितने तरह के होते हैं। तो हानि सिद्धांत में पढ़ा क्या आपने कि हानि सिद्धांत का मतलब है हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन प्रतिबंधों को लगाने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचाए, या हम किसी की स्वतंत्रता में तब तक दखल नहीं देंगे जब तक कि वो हमारे आत्मरक्षा के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही है J.S. Mill का हानि सिद्धांत। अब हानि सिद्धांत देने के साथ साथ J.S. Mill ने एक बात और कही है, उन्होंने ये कहा है कि हम ये डिफाइन कैसे करें कि कोई काम जो है वो कहाँ सही है। देखो जब किसी की शादी होती है, ठीक है ना, शादी के एक दिन पहले या दो दिन पहले उस घर में जब खुशियां मनाई जाती है तो बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं, बहुत शोर शराबा होता है, तो उस वक्त ठीक है। और जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटल का सिनेरियो है और वहीं पर ये किया जाए, तो यानी कि एक चीज जरूरी नहीं है कि दोनों सिचुएशंस में वो चीज इक्वल काम करे, ठीक है ना, वो चीज दोनों सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम आ सकती है। तो इसीलिए J.S. Mill ने जो है मानव के कामों को दो भागों में बांटा है। कौन से दो भाग? पहला स्वयं निर्धारित कार्य या स्वयं संबद्ध कार्य। देखो नाम से पता चल रहा है स्वयं संबद्ध, जो सिर्फ खुद से जुड़े हों। अब
मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे क्या पहनना है ये मेरी इच्छा है, मेरा कॉन्सेंट है, ठीक है, मुझे क्या खाना है ये मेरा कॉन्सेंट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी दूसरे आदमी का या किसी, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मुझे किसी दूसरे इंसान का गोश्त खाना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उससे किसी और का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये तो डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। इनको कहते हैं स्वयं संबद्ध कार्य। ये कार्य वो होते हैं जो केवल उसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं जो व्यक्ति अपने काम को स्वयं करता है और दूसरों के मामले में हस्तक्षेपी काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब ऐसे कोई भी काम जो सिर्फ खुद से रिलेट करते हैं, मुझे क्या पढ़ना है ये मेरा कॉन्सेंट है, मुझे अपने मोबाइल में क्या देखना है ये मेरा कॉन्सेंट है, मुझे क्या खाना है ये मेरा कॉन्सेंट है, मुझे क्या पहनना है ये मेरा कॉन्सेंट है, चलो ये मेरा कॉन्सेंट हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं अपने आप की सीमा को लांघ कर समाज में जाती हूँ, परिवार में जाऊंगी या ऐसे किसी दायरे में जाऊंगी, तो मेरे कॉन्सेंट चेंज हो जाने चाहिए। दूसरा है पर संबद्ध कार्य या दूसरों से रिलेटेड अन्य निर्धारित कार्य। मानव की वो क्रियाएं जो दूसरे व्यक्ति से संबंधित होती है और जब वो अपना काम ना करके दूसरे व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप करते हैं तो वो पर संबद्ध कार्य होते हैं। अब ये काम बताने का जेएस मिल का जो है औचित्य क्या है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार को स्वयं संबद्ध कार्यों पर कभी भी रोक नहीं लगानी चाहिए। सरकार को ऐसे कोई कानून नहीं बनाने चाहिए जो स्वयं संबद्ध कार्यों पर रोक लगाए। लेकिन सरकार के कानून कहां तक सीमित रहने चाहिए? वहां तक जहां पर संबद्ध कार्य हो, तब सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि कौन सा कार्य किसके लिए कहां तक उचित है, ठीक है। सो जेएस मिल हैज डिवाइडेड द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सेल्फ असाइंड टास्क और सेल्फ रिलेटेड वर्क। दीज आर एक्शंस विच आर रिलेटेड ओनली टू द पर्सन हु डज हिज वर्क हिमसेल्फ एंड ही डज नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। तो वो किसी और को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो सिर्फ उससे रिलेट कर रहे हैं। जहां पर चाहे आप एक ही कमरे में बंद होकर रह रहे हो, लेकिन अगर उस एक कमरे में कोई दूसरा इंसान भी प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद में आपका बोलना, आपका पहनना, आपका खाना, हर चीज उस दूसरे इंसान को भी प्रभावित करेगा और इसीलिए वहां कानून लागू हो जाएंगे। अलाइड वर्क, सेकेंड इज अलाइड वर्क और अदर शेड्यूल्ड वर्क। Those are the actions of human beings that are related to other person and when the person interferes in the work of another by not doing his work, तब सरकार को क्या करना चाहिए? उन पर restrictions लगाने चाहिए, उन constraints जिनकी हम बात कर रहे थे, प्रतिबंध, वो प्रतिबंध यहाँ लगने चाहिए। तो मिल का जो हानि सिद्धांत है वो ये कहता है कि दो तरह के कार्य होते हैं जिसमें से जो स्वयं संबद्ध कार्य है उन पर सरकार को कहीं भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए, लेकिन पर संबद्ध कार्यों के लिए हमेशा नियम होने चाहिए ताकि हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकें। तो ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टॉपिक दिया हुआ है स्वतंत्रता से संबंधित, ये एक सिद्धांत दिया हुआ है जो आपको याद रखना है, नाम के साथ याद रखना है। ऑन लिबर्टी जेएस मिल की पुस्तक थी जिसमें उन्होंने हार्म प्रिंसिपल या हानि सिद्धांत के नाम से एक सिद्धांत दिया है और ये सब बातें उसमें कही गई है। अब एक और छोटी सी आपके पैराग्राफ दी हुई है, बहुत ही अच्छी है बात, वो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था स्वतंत्रता के बारे में, या जिसको कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्वतंत्रता के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए, तो क्या कहा था उन्होंने, चलिए एक बार समझ लेते हैं। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यानी कहने का मतलब अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ रिवॉल्यूशन लाना चाह रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारे सामने हमारा गोल, हमारा एम, हमारा जो भी हमें अचीव करना है वो बिल्कुल हमारे सामने क्लियर हो कि हमें पाना क्या है, ठीक है। ये आदर्श स्वतंत्रता का है। अब ये सबसे बड़ा आदर्श क्या होगा? स्वतंत्रता का होगा। देखो हम कहते हैं कि हम तो आजाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं?
जब आप जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब उनके लिए स्वतंत्रता क्या है कि मम्मी पापा कहीं जाने नहीं देते, मम्मी पापा कुछ खाने नहीं देते, मम्मी पापा कुछ जो पहनने नहीं देते, तो वो उनके लिए वो गोल बन जाते हैं। थोड़े आप बड़े होते हैं तो आ जा सकते हो, खा पी सकते हो, लेकिन तब क्या होता है, तब आपके लिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस ज्यादा जरूरी हो जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता। तो उसके लिए आपको खुद काम करना होता है। देखो, जब आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है तो आपको काम खुद करना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा, तभी आप स्वतंत्र हो पाओगे। तो यानी कि स्वतंत्रता से पहले हमें वो आदर्श निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमें पाना क्या है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं है, बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा एक विकास की प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय, ये इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं, स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है। सर्वांगीण का मतलब हर तरफ से, ऑल ओवर, जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। यानी स्वतंत्रता ऐसी हो जो ना इंडिविजुअल देखे, ना सोशल देखे, ना ये देखे कि आर्थिक रूप से कितना उनमें भेदभाव है, ना ये देखे कि जेंडर के रूप में कितना भेदभाव है, ना ये देखे कि किस वर्ग की या किस कम्युनिटी की, किस जाति की, किस धर्म की बात की जा रही है। इस स्वतंत्रता का मतलब ना केवल राजनीतिक है, राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत करना तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश करना भी होगा। यानी कि हमारे समाज में ओवरऑल कोई भी जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो सामाजिक रूप से है, जातिगत रूप से है, धार्मिक रूप से है, उन सभी भेदभावों को, उन सभी बुराइयों को खत्म करना होगा। ये आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वप्न सरीखा लग सकता है। देखने में ये चीज बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे हेवनली है, सपना ही देख रहे हैं हम, क्योंकि वास्तविकता वो है नहीं ना जो ये कहा जा रहा है। लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। लेकिन जब तक हम उस आदर्श को, उस गोल को, उस अचीवमेंट को हमारे सामने रखकर नहीं चलेंगे, तब तक हम प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। ये कुछ आपको भी ध्यान में रखना है। जब आप मेरिट का आदर्श लेके चलोगे ना, तब आपको 90%+ प्राप्त होंगे। तो आप अपना अचीवमेंट गोल जो है वो हमेशा बड़ा रख के चलो, ताकि जो भी आप प्राप्त करो वो बेहतर से बेहतरीन हो। So Subhash Chandra Bose said, if we want to bring revolution in ideas, then first of all we should have an ideal. अगर हमें कुछ आइडिया लेना है, बात करनी है, तो पहले अपना आइडियल निर्धारित करना होगा, पहले हमें आदर्श निर्धारित करना होगा, which fills our whole life with enthusiasm. This is the real idea of freedom. तो जो हमारे दिल को बहुत खुशी से भर देता है, वो एकमात्र रियल आइडिया, रियल जो आइडियल है वो क्या है, वो फ्रीडम है। इट ऑलवेज ब्रिंग्स अस एंथुसियाज्म। बट फ्रीडम इज द वर्ड दैट हैज मेनी मीनिंग्स, बहुत से मतलब निकलते हैं स्वतंत्रता के भी। इन आवर कंट्री ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट। बाई फ्रीडम आई मीन, अब ये सुभाष चंद्र बोस अपना जो है वो बता रहे हैं, आप अगर पूरा नहीं याद कर पाओगे ना, तो आपको ये बात तो याद ही रखनी है। बाय फ्रीडम आई मीन सच एन ऑल राउंड फ्रीडम दैट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ऑफ रिच एंड पुअर, ऑफ वुमेन एंड मैन, एंड ऑफ पीपल एंड ऑल द क्लासेस। दिस फ्रीडम वुड मीन नॉट ओनली फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल स्लेवरी, but equitable distribution of property and end of caste barriers and social inequalities and the annihilation of communalism and religious intolerance। यानी कि कहने का मतलब, सारी जो social evils हैं, जो सारी सामाजिक बुराइयां हैं, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, और वास्तव में उनसे मुक्ति प्राप्त करने पर ही हम सही मायनों में स्वतंत्र हो पाएंगे। This ideal behavior may seems like a dream to skilled men and women, but only this ideal can satisfy the hunger of the soul. यानी जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते, तब तक हमारी आत्मा भी हमारे शरीर में तड़पती रहती है। तो यानी कि जब हम बाहर से हर चीजों से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, जब हम स्वतंत्रता का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं ना,
तभी हम वास्तविक रूप में स्वतंत्र हो पाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको ये चीजें समझनी है बिल्कुल, इनका कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए किया जाता है। नोट्स तो आपको मिलते ही है, यहाँ भी मिल रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर और बाद में नोट्स बना सकते हैं। आप पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाइए, वो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन आपको ये चीजें समझनी है, इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना है, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो पढ़ते रहिए साथ साथ और समझते रहिए, समझते भी रहिए और साथ ही साथ उन चीजों को याद करते रहिए, ताकि एग्जाम में आपके वो काम आ सके। धन्यवाद।